गाइज ओनली दीज कैंडिडेट आर अलाउड टू अपियर इन आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। देखो दो बड़े क्लॉजेज हैं, एक आपका एज का है, परसेंटेज का है। दोनों आपको बता दूं, अगर आपके ग्रेजुएशन में अगर आप अनरिजर्वड हैं तो 50% वहाँ पर होने कंपलसरी हैं। और आप ये भी ध्यान रखें कि 49.6 अगर आपका है तो ये लेस देन 50% में ही काउंट होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। और मेंशन कर रखा है कि एससी एसटी के लिए कोई भी ये वाला जो पैरामीटर है ये गाइस अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एज फैक्टर को लेकर है। एज फैक्टर ये लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 फरवरी 2022 को एज जो है वो आपकी 20 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। मतलब कोई भी पर्सन 2 फरवरी 1994 से पहले का होगा तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, और 1 फरवरी 2002 के बाद का कोई भी कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं भर पाएगा। बाकी रिलैक्सेशन है, एससी एसटी जो कम्युनिटीज़ हैं इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 33 साल तक के लोग फॉर्म भर पाएंगे। और ओबीसी में जो है 28 की जगह इन्होंने 31 ईयर्स का रखा है, 3 साल का रिलेक्शन है, दैट मीन्स कि 3 साल बढ़ा हुआ है। और बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो इनके लिए जो है 13 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, और एससी एसटी हैं तो उसमें 15 साल का है, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर है। और बाकी मैंने नोटिफिकेशन अच्छे से देख लिया है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने मास्टर्स कर रखा हो वहाँ पर आपके 60% है तो आप अपीयर कर लोगे, नहीं। केवल एक इनिशियल क्राइटेरिया है, वो है सिर्फ ग्रेजुएशन। अगर आपको ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अपीयर हैं, और 50% मार्क्स हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी केवल इनके लिए पासिंग रखा है। बाकी आप देख लो, जनरल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, इन सभी के लिए 50% का जो कैपिंग है वो यहाँ पर इन्होंने इस एग्जामिनेशन के लिए दे रखा है, ठीक है। ये आरबीआई पहले से देता आ रहा है, ऐसा नहीं कि इस साल इन्होंने दिया है, लेकिन हाँ ये गलत हुआ है कि इस बार जो इन्होंने एज पैरामीटर अपना ये चेक कर रहे हैं वो फरवरी में कर रहे हैं, ये गलत है। मुझे लग रहा है कि शायद लास्ट ईयर अगर ये जुलाई अगस्त कर लेते तो काफ़ी सारे लोग थे जो इस मार्जिन में आ सकते थे, लेकिन अब तो यही हो चुका है। तो आप लोग देख लें, केवल यही लोग कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो इस क्राइटेरिया में फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। आपका मास्टर्स से कोई लेना देना नहीं है, और आपने चाहे डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन किया हो, कहीं से किया हो, आप एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, बस यही एक सिंगल क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे, अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ जरूर पूछें। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।